हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर टू फोर सेवन आज की इस वीडियो में हम जी का एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जैसा कि आप सभी को पता है जी के इस बार जो पेपर होगा उसमें एट्टी क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर और लिटरेचर दोनों को इंक्लूड करके तो उन्हीं एट्टी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू इफ़ यू आर पी ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल और वहाँ से आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट मीन्स की फोर्टी नंबर का विच ऑफ़ द वर्क्स ऑफ चौसर आर कलर्ड विद इटेलियन रेमिनेसेंस सिंपली आपको ये बताना है कि कौन सा चौसर का वर्क है जो इटेलियन है जैसा कि हमें पता है कि चौसर के वर्क को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फ्रेंच पीरियड इटेलियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड तो आपको बताना है कि इटालियन पीरियड का कौन सा वोक है इसमें से फर्स्ट तो इस है हाउस ऑफ फेम सेकंड है पार्लियामेंट ऑफ़ फाउल्स थर्ड है रोमन डीलर रोज फोर्थ है बुक ऑफ डचेस तो इसमें देखिए है बाय मिस्टेक उन्होंने दो मेंशन कर दिया है तो इसमें हाउस ऑफ फेम और पार्लियामेंट ऑफ़ फाउल ये दोनों हैं ये दोनों इटालियन वर्क हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी टू वर्ड बुकशियोज फ्लोस्ट्रेटो मीन जो वो का फ्लेस्ट्रेटो है उसकी मीनिंग क्या होती है फर्स्ट है द लवर ऑफ़ लाइफ सेकंड है बिलव्ड थर्ड है द लवर ऑफ रोजेस फोर्थ है द लव स्टाइक एंड वन करेक्ट आंसर डी होता है द लव स्टाइक एंड वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी थ्री वाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग वुमन कैरेक्टर ये जो वुमन कैरेक्टर है इसमें कॉमन क्या है आपको बताना है फर्स्ट है और ये सारे कैरेक्टर किसके हैं शेक्सपियर के प्ले से लिए गए हैं फर्स्ट है जूलिया इन द टू जेंटलमैन ऑफ विरोना सेकंड है रोसलिंड इन एज यू लाइक इट थर्ड है वियोला इन ट्वेल्फ नाइट फोर्थ है इमोजिन सिम्बेलाइन तो ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट है दे डिसगाइज गाइज देम सेल्फ एज नंस एंड गो इन एक्साइल बी है दे डिसगाइज देम सेल्फ एज बॉयज़ इन परसोट ऑफ देयर लवर्स सी है दे आर ऑल विक्टिम्स ऑफ ट्रीचरी बाय देयर लवर्स फोर्थ है दे ऑल और दे ऑल ऑर्गेनाइज रिवोल्ट अगेंस्ट देर लवर तो इन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा तो जैसा कि हमें पता है कि ये जितने भी होते हैं जितनी भी हीरोइन इसमें दे रखी हैं ये सारी अपने आप को डिस्गाइज करती हैं और अपने लवर की तलाश करती हैं तो इसलिए सही आंसर क्या होगा बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्टी फोर आइडेंटिफाई द राइट क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस आपको सही सीक्वेंस बताना है शेक्सपियर के प्लेस का तो इसका सही सीक्वेंस अगर देखेंगे फर्स्ट है मैकबेथ जूलियो सीजर द टेमिंग ऑफ द श्रू द टेम्पेस्ट सेकेंड है द टेमिंग ऑफ द श्रू जूलियो सीजर मैकबेथ द टेम्पेस्ट थर्ड है जूलियो सीजर द टेमिंग ऑफ द श्रू मैकबेथ बेथ द टेम्पेस्ट फोर्थ है द टेमिंग ऑफ द श्रू मैकबेथ बेथ जूलियो सीजर द टेम्पेस्ट तो इसका सही आता है बी बी सही इसका है द टेमिंग ऑफ द श्रू जूलियो सीजर मैकबेथ एंड द टेम्पेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी फाइव आई इन गाजा एट मिल विथ स्लेब्स ये जो वर्क है ये किसकी लाइन है आपको बताना है फर्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट सेकेंड है सैमसंग एग्नोस्टीज थर्ड है पैराडाइज रिगेंड फोर्थ है एरियो एरियोपैजिटिका सही आंसर इसका बी होता है सैमसंग एग्नोस्टीज की लाइन है जिसको जॉन बेटन के द्वारा लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी सिक्स ऑन शेक्सपियर वॉज रिटन बाय शेक्सपियर जो पोएम है किसके द्वारा लिखा गया है फर्स्ट है जॉनसन सेकेंड है ड्राइडन थर्ड है डन फोर्थ है मिल्टन सही आंसर इसका डी होता है मिल्टन के द्वारा लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी सेवन द हिंड एंड द पैंथर सिक्सटीन एटी सेवन बाई ड्राइडन फॉल्स अंडर द जोंद्रा ऑफ ये आपको बताना है कि जो द हिंद एंड द पैंथर है ये कौन सा जोंन्द्रा है किस प्रकार का वर्क है फर्स्ट है सटायर सेकंड है एपिक थर्ड है बीस्ट फीबल फेबल फोर्थ है एलिगरी करेक्ट आंसर सी है ये बेसिकली एक एलेगरी है यानी कि बीस्ट फीबल है नेक्स्ट है फोर्टी एट ड्राइडन लॉस्ट हिज लॉरेड शिप टू शेडवेल इन द ईयर आपको बताना है कि जोन ड्राइडन ने किस साल अपनी पोइट लॉरेट की पोजिशन को लॉस्ट कर दिया था फर्स्ट है 1668, सेकंड है 1675, थर्ड है 1672, फोर्थ है 1688. करेक्ट आंसर इज डी 1688. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49. द रेप ऑफ लॉक इज रिटन इन रेप ऑफ लॉक को किस फॉर्म में लिखा गया है फर्स्ट है ब्लैंक पर्स सेकंड है आयंबिक पेंटामीटर थर्ड है हीरोइक कपलेट्स फोर्थ है स्पेंसेरियन स्टेंजा सही आंसर इसका होता है सी इसे स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी हाउ मेनी कैंटोज डज रेप ऑफ द लॉक है आपको बताना है कि रेप ऑफ द लॉक में कितने कैंटोज़ हैं फर्स्ट है टू सेकेंड है सिक्स थर्ड है फाइव फोर्थ है ट्वेल्व सही आंसर इसका सी होता है इसमें टोटल फाइव कैंटोज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी वन द बॉर्डरस वॉज अ बॉर्डर जो है किस प्रकार का वर्क है फर्स्ट है ट्रेजडी सेकेंड है हिस्टोरिकल प्ले थर्ड है कॉमेडी फोर्थ है रोमांटिक प्ले तो इसका सही आंसर ए होता है ये एक प्रकार की ट्रेजडी है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी टू वर्सवर्थ कम्पलीटेडेड द प्रिलूड इन विलियम वर्ड्सवर्थ ने द्रिलूड को कब कंप्लीट किया था फर्स्ट है एटीन जीरो फाइव सेकेंड है एट्टीन फोर्टी टू थर्ड है एटीन ट्वेंटी फोर्थ है एट्टीन फिफ्टी सही आंसर इसका फर्स्ट होता है एटीन जीरो फाइव में इसको कंप्लीट किया था और इसे पब्लिश किया गया था एटीन फिफ्टी में नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी थ्री हुई मेडोलो इन शेलेस जूलियन एंड मेडोलो शैली की एक पोएम है जूलियन एंड मेडेलो जिसमें जूलियन जो होता है वो शैले को रिप्रेजेंट करता है जबकि जो मेडेलो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट है वर्सवत सेकंड है बैरन थर्ड है कीट्स फोर्थ है शेले करेक्ट आंसर बी होता है मेडेलो जो होता है बैरन को रिप्रेजेंट करता है और इन्हीं दोनों का कन्वर्सेशन इंट्रेक्शन इन पोएम में दिखाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी द सेंसी इज़ प्रोनाउंस्ड एज द ये जो सेंसी होता है इसको किस तरह से इसका प्रोनाशिएसन क्या होता है फर्स्ट है सेंसी सेकंड है केंसी, सी है चेंची फोर्थ है सेंकी सही आंसर इसका सी होता है चेंची नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रियोलॉजी बाय डिजराइली डिजराइली की जो ट्रिलोजी है उसका कौन सा एक पार्ट नहीं है फर्स्ट है कोनिंग्स बाय सेकेंड है टैंक्रीट, थर्ड है सिबिल फोर्थ है एंडम्यू सही आंसर इसका डी होता है एंडमियोन जोन किड्स की एक पोएम है ये इसका पार्ट नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी सिक्स हाउ मेनी स्टेंजा डज द यू ऑफ सेंट एग्नीज वो कंप्राइज ऑफ आपको बताना है कि जो वर्क है सेंट एग्नीज इसमें कितने वर्क हैं आपको बताना है सेंट एग्नीज में द यू ऑफ सेंट एग्नीज में कितने स्टेंजा हैं आपको बताना है फर्स्ट है फोर्टी टू सेकेंड है सिक्सटी टू थर्ड है फिफ्टी टू फोर्थ है सेवेंटी टू करेक्ट आंसर ए होता है इसमें टोटल फोटी टू स्टेंज होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी सेवन टेनिसंस इनोज आर्डन अपियर इन टेनिसन की जो इनोज आर्डन है ये कब अपियर हुई थी फर्स्ट है एटीन फिफ्टी टू सेकेंड है एटीन सिक्सटी थर्ड है एटीन फिफ्टी फाइव फोर्थ है एटीन सिक्सटी फोर और इसका सही आंसर होता है डी ये पब्लिश होता है एटीन सिक्सटी फो में नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी एट टेनिसंस इन मेमोरियम एटीन फिफ्टी इज़ आरिशन की पोएम है इन मेमोरियम में एक एलिज़ी है लिखी गई थी आथर हंद्री हाइलम के दह पे ये किस प्रकार की पोएम है फर्स्ट है प्रोज नैरेटिव सेकंड है वोस नैरेटिव थर्ड है एपिक पोएम फोर्थ है सीरीज ऑफ लिरिक्स सही आंसर इसका डी होता है सीरीज ऑफ लिरिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टी नाइन मैथ्यू आर रोड डैश विच इज़ ग्रेट एक्सपोजिशन ऑन कल्चर मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था जो कि कल्चर पे बहुत ही अच्छा वर्क था आपको बताना है कि कौन सा वर्क है फर्स्ट है कल्चर एंड अनार्की सेकंड है कल्चर एंड मोनार्की थर्ड है अनार्की एंड मोनार्की फोर्थ है रिलीजन एंड कल्चर सही आंसर ए होता है कल्चर एंड अनार्की नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी है मैथ्यू आर्नोल्ड पीज़ द वैल्यू ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड ने किस चीज़ की वैल्यू को प्रीज किया था उपदेश दिया था फर्स्ट है हेबरीज्म सेकेंड है हेलिनिज्म थर्ड है फोर्थ है नन ऑफ दबर करेक्ट आंसर बी होता है हेलेनिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी वन द नावल डेविड कॉपर फील्ड इज अ बिल्डंग्स रोमन अ नोवेल ऑफ इसमें फिल करना है फर्स्ट है ग्रोथ एंड नेचर सेकेंड है डेवलपमेंट लॉस थर्ड है डेवलपमेंट इकोनॉमिक इश्यूज़ फोर्थ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो सही आंसर का सी होता है सॉरी डी होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये कहते एक नॉवल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटी टू द फर्स्ट ईयर इन डेविड्स लाइफ इन द नोवेल डेविड कॉपर फील्ड इज तो इन कॉन्फिडेंट तो आपको फील करना है इसमें कौन सा है फर्स्ट ईयर डेविड कॉपर फील्ड की जो नोवेल है सॉरी इनकी जो नोवेल है चार्ल्स डिकन की डेविड कॉपर फील्ड इसका फर्स्ट ईयर कौन सा है आपको बताना है तो so, फर्स्ट है मिस्टर विक फील्ड सेकेंड हेमिस्टर मिकावे थर्ड है जेम्स स्टीट फोर्थ फोर्थ हेमिस्टर बारकिस सही आंसर इसका सी होता है जेम्स स्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी थ्री जूट द ऑप्सक्योर वॉज पब्लिश्ड इनिशियली एज अ सीरियल स्टोरी इन आपको बताना है कि जूट द ऑप्सक्योर है इसको पब्लिश किया गया था एट्टीन नाइन्टी फोर में एक सीरियल के रूप में तो इसको किस मैगजीन में पब्लिश किया गया था तो सिक्सटी नंबर थ्री नंबर का हमारा क्वेश्चन है जूड द ऑब्सक्योर वॉज पब्लिश इनिशियली एज अ सीरीज़ स्टोरी इन एटीन नाइन्टी फोर में पब्लिश की गई थी कौन सी सीरीज़ में कौन सी मैगजीन में पब्लिश की गई थी और ऑप्शंस आपके पास हैं हार्पर्स बाजार सेकेंड है कोलिंस मैगजीन थर्ड है हार्पर्स न्यू मंथली मैगज़ीन फोर्थ है हार्पर्स वीकली तो सही आंसर इसका सी होता है हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन में पब्लिश किया गया था ज्यूट द ऑप्सक्योर को जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया था सिक्सटी फोर है व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ थॉमस हार्डीज नॉवल द मेयर ऑफ द कास्टरब्रिज मेयर ऑफ द कास्टब्रिज का सब टाइटल क्या है फर्स्ट है लोसेज एंड गेंस सेकेंड है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर फोर्थ है अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड सॉरी थर्ड था फोर्थ है अीनेंस एंड फॉरगिवनेस सही आंसर इसका होता है बी द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर ये मेर ऑफ कास्टरबिस का सब टाइटल है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी फाइव इन देश लैंड एलियट बारोड द फेमस डा 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 फ्राम द उपनिषद ये जो है किस उप उपनिषद से टी एस एलियट ने बारो किया है फर्स्ट है मंडुकिया सेकेंड है तैरिट्रिया थर्ड है मैत्र यानी और फोर्थ है ब्रिह द रंकिया तो सही आंसर इसका डी है इसी उपनिषद से इसको लिया गया है नेक्स्ट है सिक्सटी सिक्स द सिंबल ऑफ़ द वेस्ट लैंड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जो वेस्ट लैंड है इसका सिंबल किस वर्क से लिया गया है फर्स्ट है ब्रिह द रायंग उपनिषद सेकेंड है द इमेज ऑफ टायरसीस फोर्थ है मिस जेसी सी फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस और डी है द कैंटोस ऑफ एजरापॉन्न तो सिक्सटी सिक्स का हमारा सही आंसर है सी यानी कि इसको लिया गया है मिस जेसी वेस्टर्नस फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस इसका सिंबल लिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटी सेवन इन लेडा एंड द स्वान डैश इम प्रगनेंट लेडा विद ये कहना चाहते हैं लेडा और स्वान में जो होता है लेडा किस को प्रेगनेंट कर कौन प्रेगनेंट करता है लेडा को तो ये कहना चाहते हैं इसका सही आंसर है सी uh, होता है लेडा को प्रेग्नेंट करता है ज्यूस जिससे एक बच्चा पैदा जिसका नाम हेलन होता है सो सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्सटी एट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले ऑफ जॉर्ज बर्नाड शाह इसमें से कौन सा एक प्ले है जो कि जॉर्ज बर्नाड शाह के द्वारा नहीं लिखा गया था फर्स्ट है हार्ट ब्रेक हाउस सेकेंड है सेंट जॉन थर्ड है विंटर्स टेल फोर्थ है डॉक लेटी ऑफ सोनेट्स सही आंसर सी होता है जो विंटर्स टेल है इसको शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी नाइन विच प्ले ऑफ हीज डिड शाह डिस्क्राइब एज अ मेटाबाइलॉजिकल पेन टच ये अपने किस वर्क को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं जीबी शाह फर्स्ट है हार्ट ब्रेक हाउस सेकंड है एप्पल कार्ट थर्ड है मैन एंड सुपर मैन फोर्थ है ब्लैक टू मेथू सेला तो सिक्सटी नाइन का हमारा सही आंसर होता है डी बैक टू मेथुसेला नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी वाट नेम हैज़ आनंद गिवेन टू हिज ऑटोबायोग्राफी अपने ऑटोबायोग्राफी को ऑटोबायोग्राफी को ऑटोबायोग्राफी को आनंद ने क्या नेम दिया है आपको ये बताना है तो फर्स्ट है सेवन समर्स, सेकंड है सेवन एजेस ऑफ मैन थर्ड है मॉर्निंग फेस फोर्थ है अपोलोजी फॉर हीरोइज्म तो सही आंसर इसका भी होता है सेवन एज़ेस ऑफ मैन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है सेवेंटी वन हु क्लेम्ड दैट द रीडिंग ऑफ टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस ड्यूरिंग अ शॉर्ट टर्म इन चेल अवे मी टू पॉसिबिलिटीज ऑफ एपिक नॉवेल कौन सा व्यक्ति ये क्लेम करता है कि एक शॉर्ट पीरियड में जेल में जब उसने रीड किया था टाई के वार और पीस को तो उस वजह से उसको एक को सब कह सकते हैं मोटिवेशन मिला था एपिक को लिखने के लिए एपिक नोवेल फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू सेकंड है मुल्क रास आनंद थर्ड है रबींद्र नाथ टैगोर फोर्थ है मनोहर माल गोंकर मनोहर माल गोंकर तो सेवेंटी वन का हमारा सही आंसर भी होता है ये मुल्क रास आनंद का कहना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंटी टू होम इज वेयर वी हैव टू गेदर ग्रेस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ एजिकेल ये जो है एजिकेल की किस पोईम की लास्ट लाइन है फर्स्ट है फर्स्ट है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन सेकेंड है एंटरप्राइजेस थर्ड है पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर और फोर्थ है बैकग्राउंड कैजुली सही आंसर इसका बी होता है एंटरप्राइजेस की लाइन है सेवेंटी थ्री है द थीम ऑफ निसीम एजिकेल्स पोएम निसीम एजिकेल की पोएम की थीम क्या है जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इसमें हमने वीडियो बनाई है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी फर्स्ट है सेल्फलेस मदर सेकेंड है हेल्पलेस हजबैंड सी है होपलेस चिल्ड्रेन और डी है रेटलेस स्पेक्टेटर्स तो सही आंसर इसका फर्स्ट होता है सेल्फलेस मदर होता है मदरहुड होता है और सही आंसर ए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी फोर वॉट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम के फर्स्ट वॉल्यूम होता है उसका नेम क्या होता है फर्स्ट है नॉर्थ ऑफ बोस्टन सेकेंड है स्टीपल बश थर्ड है अ बॉयज़ विल फोर्थ है अ मास्क ऑफ रीजन सही आंसर सी होता है बॉयज विल इनकी फर्स्ट वॉल्यूम होती है नेक्स्ट है सेवेंटी फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय फ्रॉस्ट इसमें का कौन सा पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, के द्वारा नहीं लिखा गया है फर्स्ट है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग सेकेंड है टू ट्रेम्स इन सिनेमट टाइम सी है द रोड नॉट टेकिन डी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये नहीं लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी सिक्स इन हेमेगोज शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पाको इज डिमिनेटिव ऑफ हेमेगवे के जो शॉर्ट स्टोरीज है उसमें जो पाको होता है उसका डिमिनीटिव क्या होता है फर्स्ट है पिकाको सेकंड है पिकाचियो थर्ड है फ्रांसिस्को फोर्थ है पैट्रिक सियांसर सी होता है फ्रांसिस्को नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाय अर्नेस्ट हमेंगवेज कौन सा वर्क है जो अर्नेस्ट हमेंगवे के द्वारा लिखा गया था फर्स्ट है अ फेबल सेकेंड है अक्रॉस द ब्लैक वाटर थर्ड है फीस्टा फोर्थ है नन ऑफ द सियांसर सी होता है फीस्टा जिसको द सन ऑल्सो राइजेस के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट है सेवेंटी एट रबींद्रनाथ टैगोर गॉड द नोबल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन द ईयर रबीन्द्रनाथ टैगोर को नोबल प्राइज़ लिटरेचर में कम मिला था फर्स्ट है 1910, सेकंड है 1915, थर्ड है 1913, फोर्थ है 1917. सेवनटीन सही आंसर इसका बी है 1915. नेक्स्ट क्वेश्चन है 70. विच ऑफ़ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ टैगोर वाज रिटन ओरिजिनली इन इंग्लिश टैगोर का कौन सा वर्क है जिसको ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा गया था फर्स्ट है हेवेन ऑफ फ्रीडम सेकेंड है गोरा थर्ड है द चाइल्ड फोर्थ है द होम एंड द वर्ल्ड सही आंसर सी है द चाइल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्टी ग्रीश कर्नाड वॉज अवार्डेड पद्म भूषण तो ग्रीश कर्नाड को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था और आपके पास ऑप्शन है 1988, सेकंड है नाइनटीन नाइन्टी टू थर्ड है नाइन्टीन नाइन्टी फोर फोर्थ है नाइन्टी एट सही आंसर इसका बी होता है 1992. नेक्स्ट क्वेश्चन है 81. वन अर्लीस्ट नावल बाय वी एस नाइपॉल इज वी एस नाइपॉल की जो अर्लीस्ट नावल है वो कौन सी है फर्स्ट है द मिस्टिक मेशर सेकेंड है इन अ फ्री स्टेट थर्ड है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास फोर्थ है अ बेंड इन द रिवर सही आंसर इसका फर्स्ट होता है द मिस्टिक मेशर क्वेश्चन नंबर एट्टी टू है रिनेसा फर्स्ट बिगेन इन कंट्री ऑफ रिनेसा जो है सबसे पहले कौन सी कंट्री में शुरू हुआ था फर्स्ट है इटली सेकेंड है इंग्लैंड थर्ड है फ्रांस फोर्थ है आयरलैंड सही आंसर इसका फर्स्ट है सबसे पहले ये इटली में शुरू हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटी थ्री लिटरेरी मीस ये जो पैंडोनियम पैंडिमोनियम वर्ड है इसका लिटरेरी मीनिंग क्या होता है फर्स्ट है कन्फ्यूजन सेकेंड है हेल, थर्ड है ऑल डेमेंस फोर्थ है एंटीथेसिस ऑफ हेवन सही आंसर इसका सी होता है पैन मिस ऑल होता है और डिमोनियम डेमेंस होता है तो ऑल डेमेंस होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्टी फोर विच वॉज द फेमस प्रोज वर्क रिटन बाय डन डन का कौन सा एक बहुत ही फेमस प्रोज वर्क है फर्स्ट है डिवोशन सेकेंड है म्यूजिक्स थर्ड है सरमन्स फोर्थ है रिफ्लेक्शंस सही आंसर so, ए होता है डिवोशंस इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ राइटर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कोकनी स्कूल कोकनी स्कूल में कौन सा एक राइटर है जिसको नहीं शामिल किया गया था फर्स्ट है जॉन कीट्स सेकंड है हाइजलिट थर्ड है, है कोलरिज फोर्थ है लेहंट तो 85 का हमारा सही आंसर सी होता है ये जो कोलरिज होते हैं इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है और बाकी जितने भी हैं जॉन कीट्स हो गए हाइजलिट हो गए लेहंट हो गए इन सबको इसमें शामिल किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन ये एट्टी सिक्स देर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज अ की स्टेटमेंट इन एनिमिनेटिंग फ्रॉम फर्स्ट है फेमिनिज्म सेकेंड है न्यू हिस्टोरिसिज्म थर्ड है डी कॉन्स्ट्रक्शन और डी है स्ट्रक्चरलिज्म सही आंसर 86 का होता है सी डी कॉन्स्ट्रक्शंस नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 सेवन द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इज यूज टू रिफर टू ये कहने तो लॉस्ट जनरेशन किसके लिए यूज़ किया जाता है तो फर्स्ट है अमेरिकन राइटर्स इन द सिविल वॉर पीरियड सेकंड है अमेरिकन राइटर्स ऑफ द डिकेड फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सी है अमेरिकन राइटर्स ऑफ डिकेड फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड और डी है अमेरिकन राइटर्स ऑफ द कोल्ड वॉर पीरियड सही आंसर इसका फर्स्ट होता है ये रिफ़र किया था अमेरिकन राइटर्स को सिविल वॉर पीरियड के दौरान के नेक्स्ट क्वेश्चन है एटी एट वाट मीटर इज अ सोनेट रिटन सोनेट को किस मीटर में लिखा जाता है फर्स्ट है इस्पोंडेक टेट्रा मीटर सेकेंड है एम्बिक पेंटा मीटर थर्ड है एम्बिक टेट्रा मीटर फोर्थ है एम्बिक ट्राई मीटर सही आंसर इसका भी होता है सोनेट को एम्बिक पेंटा मीटर में लिखा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89। इफ इन in a ballad a line or a stanza is repeated but with an addition that advances the story, it is called. ये कहना चाहते हैं कि एक बाइलेट हो या एक स्टेंजा हो जिसमें एक लाइन को रिपीट किया जाता है उसमें एडिशनल एडवांसमेंट्स के लिए स्टोरी में कुछ एडवांसमेंट आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं आपको बताना है फर्स्ट है रेफरेंशियल रिपीटिशन सेकंड है इंक्रीमेंटल रिपीटेशन थर्ड है जस्ट रिपीटेशन फोर्थ है नन ऑफ द दब सही आंसर बी होता है इसका इंक्रीमेंटल रिपीटेशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी है द एपिक इज़ यूजली डिवाइडेड इन बुक्स आपको बताना है कि जो एपिक होते हैं जनरली कितनी बुक्स में डिवाइड किया जाता है फर्स्ट है ट्वेल्व सेकेंड है ट्वेंटी फोर थर्ड है टेन फोर्थ है फिफ्टीन सही आंसर फर्स्ट होता है जनरली ये ट्वेल्व बुक्स में लिखी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्टी वन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून इज टर्म बाय अरिस्टोटल एज जो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून है उसको क्या टर्म दिया गया है अरिस्टोटल के द्वारा फर्स्ट है पेरीपेटी या पिरीपेटिया सेकेंड है एनेग्रोसिस थर्ड है डिनाउंसमेंट डिनाउमेंट फॉर्थ है क्लाइमेक्स आंसर इसका फर्स्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटी टू अस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर रिप्रेजेंटिंग द पैशन एंड ह्यूमर्स एंड द चेंट फॉर द डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मैन काइंड गेव दिस डिफिनेशन ऑफ ड्रामा ड्रामा के इस डेफिनेशन को किसने दिया है नाइनटी टू का फर्स्ट है जॉनसन सेकंड है पोप थर्ड है फोर्थ है है मिल्टन। सही आंसर इसका सी जॉन ने इस डेफिनेशन को दिया नेक्स्ट क्वेश्चन हु कॉल्ड सैमुअल जॉनसन द ट्रू फादर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश यह कहना चाहते हैं सैमुअल जॉनसन को किसने इंग्लिश लिटरेचर में ट्रू फादर कहा है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म का फर्स्ट है वाटसन सेकेंड है विम्साट थर्ड है वेलिक फोर्थ है डाइचेस। तो नाइन्टी थ्री का हमारा सही आंसर है फर्स्ट है वाटसन सॉरी सही आंसर क्या है फर्स्ट है और ये वाटसन है तो वाटसन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्टी फोर द टर्म इसम प्लास्टिक मीन्स ये जो टर्म इसम प्लास्टिक है इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट है टू ज्वाइन टुगेदर सेकंड है टू शेप इंटू वन थर्ड है टू मिक्स इंटरनल एक्सटर्नल फोर्थ दी होता है नाइनटी फाइव है इफ एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ एंड ऑरिजिनल इट वॉज शेक्सपियर हो गे दिस स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है फर्स्ट है ड्राइडन सेकंड है मिल्टन थर्ड है पोप फोर्थ है आर्नोल्ड तो इसका सही आंसर होता है सी पोप ये पोप के द्वारा कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96। सिक्स हु सेट द प्रोग्रेस ऑफ द आर्टिस्ट इज अ कंटिनल सेल्फ सेक्रीफाइस अ कंटिन एक्सटेंशन ऑफ पर्सनैलिटी ये जो है किसके द्वारा कहा गया है तो फर्स्ट है एफ आर लेविस सेकेंड है टी एस सिलियट थर्ड है आइजरा पाउंड फोर्थ है आई ए रिचर्ड इसका सही आंसर होता है बी टी एस इलियट के द्वारा कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज अ फ्रेज इंट्रोड्यूसड बाई टी एस इलियट इन हिज से ये जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है एक फ्रेज है जिसको टी एस इलियट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है और टी एस इलियट ने अपने किस वर्क में इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट है ट्रेडिशन एंड इन निजो टैलेंट सेकेंड है द मेटाफिजिकल पोएट्स थर्ड है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स फोर्थ है नन ऑफ द अब सही आंसर बी होता है मेटाफिज़िकल पोइट्स ऐसे में इन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया है नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे हैं नाइन्टी एट से हंड्रेड तक पैसे के पैसेज़ के हैं इस पैसेज़ की पी डी एफ आपको मिल जाएगी पूरी क्वेश्चन को वहाँ से पैसेज़ को रीड करके आंसर करेंगे इसमें जो नाइन्टी एट है नाइन्टी एट का आपका आंसर जो है वो हो जाएगा इसमें यूज़ किया गया एक वर्ड अक्यूमलेट तो उसके माने असेंबल होता है यानी कि सी हो जाएगा और 99 का जो क्वेश्चन है ये भी पैसेज का है आपको बताने के सही सीक्वेंस क्या होगा तो इसको जब लगाएंगे तो इसका फर्स्ट हो जाएगा सही सीक्वेंस प्लांट्स आएगा एनिमल्स आएगा मैन और फिर माइंड आएगी पैसेज को रीड करेंगे हंड्रेड नंबर का क्वेश्चन है और हंड्रेड नंबर का ये बता रहे हैं मैन क्रिएटेड ट्रीज टू सेटिस्फाई हिज नीड्स और बी है प्लांट लाइफ एनिमल तो इसका जो सही आंसर है वो डी वाला है ये तीन क्वेश्चन पैसेज के थे बाकी फिर ग्रामर लिटरेचर के हैं हु हुरोड द पोलिटिकल फेबल एनिमल फॉर्म किसने लिखा है तो फर्स्ट है जॉर्ज ऑरवेल सेकेंड है विलियम फोकनर थर्ड है जॉन मिल्टन फोर्थ है वॉल्ट विटमन सही आंसर इसका ए होता है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है जो कि एक एलिगरी है नेक्स्ट क्वेश्चन वन जीरो टू है हु ऑज द फाउंडर ऑफ प्री रेफ्लाइट प्री रेफ्लाइट जो था इसका फाउंडर कौन था फर्स्ट है गैब्रियल रोसिटी सेकेंड है टेनिसन थर्ड है आर्नोल्ड फोर्थ है फ्रोस सही आंसर ए होता है गैब्रियल रोसिटी इसके फाउंडर थे नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर का है 103 नंबर का ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट अब ये नेगेटिव में इसको बनाना है तो फर्स्ट है नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई कैन नॉट अप्लाई यहाँ भी कैन नॉट यूज़ किया गया तो ये नहीं हो सकता सेकेंड है नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट और सी है ओनली बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट फिर आ गया तो ये नहीं हो सकता डी है नो अदर देन साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए नो पहले से लगा है डबल नो नहीं लगा सकते इसलिए बी से ही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीरो फोर ही सेट प्लीज़ प्लीज़ गिव मी अनदर चांस यानी कि क्या कह रही उसने कहा कि मुझे दूसरा चांस दो फर्स्ट है ही सेट ही सेट यहाँ को इसको रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं या बेग में चेंज करते हैं तो ये वाला नहीं हो सकता उसके बाद बी की बात करें ही बेग देम टू गिव हिम अनदर चांस सी है ही रिक्वेस्टेड इफ़ कैन का, का प्रयोग किया नहीं गया है उसमें अब ऊपर तो ये नहीं हो सकता कुड भी नहीं हो सकता तो आंसर आपको हो जाएगा बी नेक्स्ट है वन जीरो फाइव चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन दैट डिपिक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन अगेंस्ट इस सेंटेंस आपको बताना है इसमें चेंज करना जिससे पहला सेंटेंस आपका है वाट मेक्स दीज होल्स इसको पैसे में बनाना है तो हाउ का यूज़ कर दिया गया ऊपर हाउ नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया सेकेंड में वाट आर होल्स मेड बाय थर्ड है हु हु का प्रयोग नहीं किया गया तो ये भी रॉन्ग है डू डज तो आता नहीं पैसे में ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है तो बी आपका सही आंसर हो गया तो 105 का आपका सही आंसर क्या होगा बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीरो सिक्स अन इनवेबल डिनोर्सिस की मीनिंग क्या होती है फर्स्ट है अराउजिंग एनिमी सेकेंड है डिफिकल्ट और अनप्लेसेंट थर्ड है दैट विच इज़ नॉट एक्सेसिबल फोर्थ है समथिंग दैट इज़ नॉट अवॉइडेबल तो इसकी मीनिंग है, है, होती है डिफिकल्ट या अनप्लेसेंट होती है बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीरो सेवन द अपोजिट ऑफ सुपर सीलियस सुपर सीलियस की मीनिंग घमंडी होता है तो इसका अपोजिट क्या होगा फर्स्ट है स्नोविश सेकेंड है मीक एंड हम्बल थर्ड है एरोगन माने घमंडी सुपरफिशियल माने तो आपको पता ही है तो ये क्या हो जाएगा मीक एंड हम्बल हो जाएगा यानी कि बहुत ही विनम्र होता है इसकी मीनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन जीरो पी क्यू आर एस का है अरेंज करना है फर्स्ट है वेन केमिकल सबस्टेंस ये हो गया सेकेंड द फूड पॉइजनिंग अकर्ड और इसके बाद में इन द फूड प्रिपरेशन सी है वॉज मिस्टेकन फॉर सॉल्ट एंड म्यूज़ तो अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या आ सकता है सबसे पहले आपका हो जाएगा यहाँ से ये नाउ से स्टार्ट हो जाएगा द फूड पॉइजनिंग अकर्ड कब अकर्ड कहते हैं इन द फूड प्रिपरेशन द फूड पॉइजनिंग अकर्ड वेन अ केमिकल सब्सटेंस तो पहले देखो क्यू आ रहा है पहले सी वाला लगाएंगे देखिए सी में पहले क्यू है तो वेन द फूड पॉइजनिंग अकर्ड पी आ जाएगा वेन अ केमिकल सब्सटेंस एस आ जाएगा वॉज मिस्टेकन फॉर सॉल्ट एंड यूज आर इन द फूड प्रिपरेशन तो 108 सौ आठ का आपका सी सही आंसर होगा 109 सौ नौ का है देयर मे बी एन इंडेक्स एंड ऑफ द बुक्स बुक के एंड में एक इंडेक्स हो सकता है तो ऐड का प्रयोग करते हैं ऐट द एंड ऑफ द बुक यहाँ पे ऐट आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर टू वेदर आई स्टॉम यहाँ पे टी वो टू है टी डब्ल्यू ओ टू नहीं है ठीक है तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे टी ओ टू है टी वो टू है कहते हैं कि टू वेदर आई स्टॉम के मतलब होता है चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करना फर्स्ट है टू स्टैंड हैवी रेंज सेकंड है टू सर्वाइव अ क्राइसिस थर्ड है टू क्रिएट अ क्राइसिस फोर्थ है टू फॉलो प्रे तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा टू सर्वाइव अ क्राइसिस नेक्स्ट क्वेश्चन वन 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 है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर वॉट टू डू इज कॉल्ड एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि अब क्या करना है और उससे हम क्या कहते हैं फर्स्ट है मेटर मेंटर सेकंड है इंस्ट्रक्टर थर्ड है कंपाइलर फोर्थ है प्रोग्राम तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा तो इसका सही आंसर होता है डी यानी कि प्रोग्राम होता है ठीक right है प्रोग्राम इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वन ज़ीरो टू वन हंड्रेड ट्वेल्व है इफ़ वी सब्सिट्यूट बार्ड फॉर शेक्सपियर यदि हम शेक्सपियर के लिए बार्ड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद कहना चाहते हैं कैसा नोवा यूज़ करते हैं ओमनाइज़र के लिए हिटलर यूज़ करते हैं ट्रेंड के लिए तो ऐसे फिगरेटिव डिवाइस यूज़ किया जाता है तो वी तो ये कौन सी फिगरेटिव डिवाइस होती है यानी किसी व्यक्ति के लिए दूसरा नाम यूज़ करते हैं फर्स्ट है एंटोनो मैसिया है मेटोनिमी थर्ड है एनेक्डोज़ फोर्थ है एंटानेक सही आंसर इसका ए होता है एंटोनो नेक्स्ट क्वेश्चन वन वन थ्री है बेटर सोल्यूशन कैन स्टिल बी वर्कड आउट देखिए बेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो मोर नहीं आ सकता मोर बेटर होता नहीं है दूसरा द बेटर सोल्यूशन ये भी नहीं होगा सच बेटर भी नहीं हो सकता आप बेटर सोल्यूशन एक अच्छा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सी इज़ द राइट आंसर एक सौ तेरह का सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन हंड्रेड फोर्टीन है करेक्ट स्पेलिंग इस क्या होती है तो ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी अकोमोडेट इसकी सही स्पेलिंग होती है यानी कि फर्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट है वन हंड्रेड फिफ्टीन है ही अपोस्ट किंग हैं एज ए डिज़ायर टू बी एक्नोलेज एज ऑफ इंग्लिश चर्च ही वॉज कौन सा एक व्यक्ति होता है जो किंग हैं एर्थ के डिज़ायर को उसने अपोज किया था कि उन्हें चूज किया जाए चर्च इंग्लिश का हेड फर्स्ट है जॉन फिशर सेकेंड है रेगिनॉल्ड पीकॉक थर्ड है जॉन लिडगेट फोर्थ है थॉमस ओक्लेव तो एक सौ पंद्रह का हमारा सही आंसर फर्स्ट होता है जॉन फिशर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हंड्रेड सिक्सटीन द टर्म थिएटर थिएटर ऑफ क्रोल्टी वॉज क्वाइंड बाय ये जो टर्म है थिएटर ऑफ क्रोयल्टी ये किसके द्वारा क्वाइंड आउट किया गया है फर्स्ट है रॉबर्ट ब्रूस्टेन सेकेंड है एंटोनियन आर्ट आउट थर्ड है अगस्टो बोल फोर्थ है लुइगी पांडेलो तो सिक्सटीन का हमारा सही आंसर है बी सिक्सटीन का एंटो एंटोनिन आर्ट आउट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 117 इन विच ईयर वाज अ बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश बायोग्राफिया लिटेरिया कब पब्लिश गई थी फर्स्ट है एटीन जीरो टू सेकेंड है एटीन जीरो सेवन थर्ड है एटीन सेवनटीन फोर्थ है एटीन नाइनटीन तो सेवनटीन का हमारा सही आंसर है एटीन सेवनटीन यानी कि सी नेक्स्ट क्वेश्चन वन है ही गॉट होम देखिए जब भी हम होम का प्रयोग करते हैं उससे पहले कोई भी प्रिपोजेशन नहीं आता है कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है तो डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और ये है द मीनिंग ऑफ ई ब्रोकन रीड की मीनिंग क्या होती है तो फर्स्ट आपका है अ फ्यूटाइल एफर्ट सेकंड है रेड थर्ड है अन फोर्थ है सडन ग्रेड शॉक तो इसकी मीनिंग होती है अन ब्रोकन रीड की मीनिंग तो इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा सी अन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पर्सन पब्लिशेज एल्स वोक एज हिज ओन ही कैन बी अक्यूज ऑफ एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के वर्क को पब्लिश करता है अपने वर्क के रूप में तो उसे क्या कहा जाता है फर्स्ट है सीडियो पीग्राफी सेकेंड है प्लेजरिज्म थर्ड है फॉर्चरी फोर्थ है प्लियो नाज़म। तो सही आंसर इसका बी होता है उसे साहित्यिक चोरी कहा जाता है ये हमारे आज के क्वेश्चन हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में केयर हैव अ गुड टाइम